देखिए कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था अपना, जीएस के बारे में हम लोगों ने जाना था क्या है हमारा, मैसेज प्रिंट करना सीखा था हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की सहायता से, प्रॉम्प्ट की सहायता से, कंफर्म की सहायता से कंफर्म करा के अपना, और अलर्ट की सहायता, ये कल हमारे टॉपिक थे। अब आज के जो हमारे टॉपिक है टुडेज टॉपिक वो है हमारे हाउ टू प्रिंट मैसेज इन एलिमेंट्स बाय फॉलोइंग आईडी क्लास और टैग आपका, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर है हमारा, इसमें देखिए ध्यान देना आपका, उसका अगर आप कर ले होगा ना तो टाइटल वाला कर ले, जिसका सी पैनल मुझे पकड़ा देना, मैं अपना घर से बैठ रहा हूँ कॉफी में बैठ। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है इतना वो करा हुआ है, सिक्योरिटी पर्पस है बस, हैक ना हो इसको छोड़ा दे मैं अपने। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगी मैसेज को पैसे कहाँ कहाँ पर लेना है तब तक हम लोग एप्लीकेशन बना नहीं सकते होते, पहले हम उसकी नॉलेज होनी जरूरी है कि अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो, यूजर जो इनपुट करेगा इनपुट तो हमें पता ही है करना कराना है, लेकिन उसका जो आउटपुट लेंगे हम लोग बॉडी बन वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे सीएसएस हम लोग रनिंग में लिखते थे लेकिन हमें प्रॉब्लम होती आ रही है, अगर मुझे इधर लिखा होगा देखना तो कैसे लिखेंगे, तो अगर हम लोगों ने क्लासेस बना के तो उनको तब सीखा, अब यहाँ पर हम लोग अपने एलिमेंट के साथ यूज करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर का लॉजिक है सारा कुछ आपका, और इसमें आपके फंक्शनलिटी के लॉजिक सारे आपके डिफाइन करके ना नहीं करा दूंगा। तो एलिमेंट्स आपको पता ही क्या होते हैं हमारे, एलिमेंट जो हम लोग पूरा लिखते हैं अपना, ठीक है ना, हाँ। तो एलिमेंट को कई कैटेगरी डिवाइड करके एलिमेंट को टैग को जो हम डिफाइन करते हैं वो टैग से भी होता है और क्लास से भी होता है आईडी से भी होता है, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट हम लोग देते हैं उसको टैग भी बोला जाता है, वो आपको याद रखना अपना, सिंपल एक टैग है एलिमेंट, एलिमेंट हो गया जिसमें आप कंटेंट होगा सब्जेक्ट हो गए, टैग का मतलब हो गया सिंपल सा टैग आपका, ठीक है। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे मैं यहाँ पे अपना, अरे क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने लिखा वन जीरो सिंपल सा इनपुट टाइम बराबर टेक्स्ट और आईडी बराबर जेड। सबसे पहले हमें आपको समझना है डॉट वैल्यू और इनर एचटीएमएल के अंतर आपका, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली भाई, यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना था यूजर का नाम, फिर हमने पी टैग लगाया और यहाँ पर लिख दिया मुझे यहाँ पर चाहिए यूजर का ईमेल। अब यहाँ पर आप ये चीज देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू लिखी है वो लिखी है एलिमेंट के अंदर और ये लिखेगा ना एलिमेंट के बाहर आपका, मींस एलिमेंट के एट्रीब्यूट में नहीं है, और ये मैंने एलिमेंट ओपन और क्लोज के बीच में लिखा था, मतलब ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में लिखा मैंने, हाँ जो यूजर जो ईमेल लिखा मैंने ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में लिखा है, मतलब दोनों के अंदर लिखा है, और इसे मैंने एट्रीब्यूट के अंदर लिखा है, इसे मैंने टैग के अंदर लिखा है, दोनों के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ध्यान देना आपको, सॉरी स्क्रिप्ट फिलहाल मैं यहीं पे लगा देता हूँ आपके लिए, आईडी दे दी हमने जेड, यहाँ लिख दिया डॉट वैल्यू, क्योंकि मुझे जो मैसेज प्रिंट करवाना है वैल्यू के अंदर में करवाना है, जो ये वैल्यू दी गई है आपकी, यूजर नेम भी मुझे अपना जो मुझे डालना वो डालूंगा अपना, पहले करवा सकते हैं लेकिन फंक्शन वगैरह में कॉल कराने पड़ेगा उसके लिए, इसके लिए, ठीक है ना। सही बात मैंने लगा यहाँ पे ब्लैक हो ब्राउन हो सही है, मैंने लगा यहाँ ब्राउन हो क्या है, ना 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 यूज़र नहीं हो गई, ठीक है। और हमें क्या करवाना है, अब पी के अंदर में आपका चीजें सारी वही रहेंगी हमारी, यहाँ पे जेड वन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा मुझे अपना, वहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू नंबर का एट्रीब्यूट नहीं है इसके अंदर में आपका, नहीं करा ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अपना एचटीएमएल के अंदर सीधा प्रिंट करवाना है आपको, अगर इसमें कोमा नहीं घूम लेंगे कुछ भी नहीं,
सिर्फ डॉट लगेगा बस आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका यूजर का ईमेल आईडी है, अच्छा थी। मुझे लग रहा है इसके जो पढ़ा था आने नहीं देगा आपको, इसको हटा दो देखना। चोर गड़बड़ है क्या? अच्छा ले इसकी आईडी तो दी नहीं मैंने अभी, सॉरी। क्लियर इतना सिंपल सा? ये तो हो गया डॉट वैल्यू और डॉट वो और आईडी का पता चलेगा आपको। तो जब हम लोग आईडी लगाते हैं तो जरूरी नहीं है इसे पूरा लिखें, तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हो अपने डायरेक्ट। अब याद रखना ये जो चीज चल रही है ये आपकी एस्टिमेट डॉम की कैटेगरी में आती है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग HTML के ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम। क्लियर है आपका? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो अपना, ठीक है। अब देखो हमारा टैग की सहायता से, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, इसको हटा देते हैं जरा डॉक्यूमेंट के लिए अपना। आपको लिखने का जो तरीका होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स ऐसा जाके यहाँ पे आपका बाय टैग नेम आपका, टैग का नाम क्या है हमारा इनपुट, और यहाँ पर हमें क्या लिखना डॉट वैल्यू आप मिस्टर राम ठीक है। आउटपुट अभी भी नहीं है, रीजन क्या है हमारा, यहां पे सारी चीजें एक जैसी हो गई तो हमें इनको डिफरेंस बताने पड़ेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा इनकी इंडेक्सिंग बनानी पड़ेगी। अब ऐसा है रे, तो क्या करोगे आप यहां पे जीरो वन टू इंडेक्सिंग तो रखने के लिए ना थ्री प्लस भाई जब हमें मल्टीपल नंबर प्रिंट करवाने होते हैं तो वहां पर फॉर लूप यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं, और जब मल्टीपल स्ट्रिंग प्रिंट करवाने होते हैं तो क्या यूज करते हैं एरे यूज करते हैं, ठीक है। क्लास क्लास में क्या हुआ कि भाई इसके लिए भाई क्लास बना रखा है, मान के चलो ठीक है। अब यहां क्या लिखना है आपको टैग की जगह पे सिंपल सा क्लास, आपका क्लास कौन सी हमारी इंडेक्सिंग जो क्रिएट करनी होगी ना, नहीं
इसमें भी करेंगे हम इंडेक्सिंग तो बस। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपना क्या क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कुछ अपने कोर में हम लोग वापस चलते हैं अपना, ये तो हमारा इसमें हो गया काम होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले थोड़े से ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर और कुछ और दूसरे तरह की चीजें अपनी, ठीक है। उस पर हम लोग प्रॉम्प्ट में कुछ बना के देखेंगे अपने, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा इसके अंदर में आपका, इसकी एक वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं आपकी, ठीक है ना। उसको मैं नेक्स्ट लेसन चलाता हूँ आपका।